हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित ऋषभ वर्मा में। तो दोस्तों, अब की बार फिर से हम आपके लिए शिवपुरी में एक ऐसा लग्जरी कैंप लेकर आए हैं जो बजट में तो रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ आपको कंफर्ट भी फील कराएगा। अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कैंप आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये कैंप फैमिली फ्रेंडली भी है और इसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप टेंट्स का मजा लेना चाहते हैं तो इनके पास टेंट भी है जिसमें इन्होंने कूलर फैसिलिटी दी हुई है। वहीं अगर आप थोड़ा कंफर्ट देख रहे हैं तो इनके पास कॉटेजेस भी अवेलेबल है और इनके पास जितनी भी कॉटेजेस हैं वो सारी एसी कॉटेजेस हैं। और दोस्तों, अगर आप बच्चों के पर्पस से देख रहे हैं तो इनके कैंप में इन्होंने काफी सारी इंडोर एक्टिविटीज भी रखी हुई है और बच्चों के लिए काफी सारे गेम्स भी हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इस कैंप को घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्या प्राइसेस रहते हैं और खाने में ये आपको क्या क्या ऑप्शंस सर्व करते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो और आपको दिखाते हैं इनके टेंट और कॉटेजेस। तो दोस्तों, आज जो कैंप मैं आपको दिखा रही हूँ उसका नाम है लिव इन कॉटेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये जो कैंप है वो मेन शिवपुरी में ही है और इस कैंप से ऋषिकेश तपोवन का डिस्टेंस 10 से 12 किलोमीटर है, जिसे आप आराम से आधे घंटे में कवर कर लेंगे। इस कैंप तक पहुँचने के लिए आप जैसे ही शिवपुरी के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप को क्रॉस करेंगे तो यहीं से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, जिस पर 500 मीटर चलने के बाद आपको लिव इन कॉटेजेस का बोर्ड दिख जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस कैंप के अंदर और आपको दिखाते हैं इनके टेंट और कॉटेजेस। वैसे तो ऋषिकेश शिवपुरी में कैंप्स की कोई कमी नहीं है, पर अगर आप थोड़ी लग्जरी फील चाहते हैं, आप एफी कॉटेजेस देख रहे हैं तो ये कैंप बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस कैंप में आपको एफी कॉटेजेस तो मिलते ही है, साथ ही साथ आपको गीजर फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ आपको एक ही कैंप में टेंट और कॉटेजेस दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टेंट पे रुक सकते हैं या फिर आप अपने लिए कॉटेजेस भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनका टेंट दिखा देती हूँ। इनके हर टेंट के बाहर आपको टेबल और दो चेयर्स मिल जाती हैं, जहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं, शाम के टाइम एंजॉय कर सकते हैं और व्यू का मजा ले सकते हैं। जैसे ही आप टेंट के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको डबल बेड दिख जाता है। कैंप के अंदर इन्होंने सीलिंग फैन भी दिया हुआ है, जो कि ज्यादातर कैंप्स में नहीं मिलता, और साथ ही साथ इन्होंने कूलर भी लगाया हुआ है। वॉशरूम भी इनके बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। इनके हर टेंट के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इनके एसी कॉटेजेस की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी स्पेशियस कॉटेज है ये। इसमें दो डबल बेड मिल जाते हैं आपको। ये डबल बेड इतने बड़े हैं, आप चाहो तो एक बेड पर तीन लोग आराम से रुक सकते हैं। इस कॉटेज के अंदर भी आपको सीलिंग फैन मिल जाता है और साथ में ही इनका अटैच वॉशरूम भी है। तो चलिए मैं आपको इनका वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। ये काफी स्पेशियस भी है और इसके अंदर वो सारी बेसिक फैसिलिटी है जो एक अच्छे कॉटेज के वॉशरूम के साथ होनी चाहिए, तो वो आपकी नीड आराम से फुलफिल हो जाएगी। और इस कैंप का जो मेन फीचर है वो है इनका एसी। काफी लोगों की शिकायत रहती है कि गर्मियों में उनसे कैंपिंग नहीं होती है, तो आप आराम से एसी में दिन के टाइम यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको कैंपिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनके जो टेंट और कॉटेजेस हैं वो आपको डबल शेयरिंग से लेकर सिक्स शेयरिंग तक मिल जाते हैं। इनके जो सिक्स शेयरिंग वाले टेंट और कॉटेजेस हैं वो काफी बड़े हैं, उसमें आप आराम से 5 से 6 लोग रुक सकते हैं। इस
कैंप के ग्राउंड एरिया को इन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, जहां आप कुछ गेम्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहां पर कुछ झूले भी लगाए हुए हैं। इनके रूम तो मेंटेन थे ही थे, बट इनका ग्राउंड एरिया भी मुझे काफी पसंद आया। इन्होंने अपने कैंप में एक छोटा सा टेरिस भी बनाया हुआ है, जहां से आपको माउंटेन का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहां पर आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसी टेरिस के साथ में इनका स्विमिंग पूल एरिया भी है, जहां गर्मियों में आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहां आते हैं, या फिर आप कपल में आते हैं, या फिर आप किसी बड़े ग्रुप में हैं, तो यहां आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जहां इस कैंप में दिन के समय आपको इतनी एक्टिविटीज करने को मिलती है, वहीं रात के समय आप इनका डीजे नाइट और बॉनफायर भी इंजॉय कर सकते हो। यहां पर आपको ये डेली बॉनफायर और म्यूजिक नाइट प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं इनके फूड प्लान की। तो ये कैंप आपको तीनों टाइम के खाने के साथ मिलता है। यहाँ का जो चेक इन टाइम है वह दोपहर 12 बजे का होता है। तो सबसे पहले ये आपको चेक इन करते ही लंच देते हैं। इनके लंच में भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ आपको लंच में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, सलाद, रायता जैसे आइटम्स मिल जाते हैं। वहीं उसके बाद शाम को ये अपने इवनिंग स्नैक सर्व करते हैं, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के ऑप्शंस रहते हैं। फिर इनका डिनर होता है। डिनर में भी ये आपको वेज और नॉन वेज के साथ साथ एक स्वीट डिश भी सर्व करते हैं। और बात करें ब्रेकफास्ट की, तो इनके ब्रेकफास्ट में भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस कैंप को घर बैठे कैफे बुक कर सकते हैं और क्या इसके प्राइजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइजेस के बारे में। तो इस कैंप के जो प्राइजेस हैं वो वीकडे और वीकेंड पे अलग अलग रहते हैं। वीकडे पे इसके प्राइजेस 1300 से 1500 के बीच पे जाते हैं, और वहीं वीकेंड में इसके प्राइजेस 1600 से लेकर 1800 के बीच में भी जाते हैं। और बात करें इसके बुकिंग प्रोसेस के बारे में, तो इनकी बुकिंग के लिए इस कैंप का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, तो आप उस पर कॉल करके अवेलेबिलिटी और प्राइजेस को कंफर्म कर सकते हैं और इस कैंप को बुक करवा सकते हैं। अगर आपकी बुकिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम टाइमली इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, इसे कॉमेंट करके जरूर बताना। और आपको इस कैंप का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है, इसे भी कॉमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें मोटिवेट करता है फिर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो जाए। अगर आप ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं और ऋषिकेश से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।